जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजु फॉर यू में। और गुड इवनिंग ऑल सभी को। गुड इवनिंग एक बार सभी लोग लिख देंगे चैट सेक्शन में, जो लाइव चैट सेक्शन चल रहा है वहां पे आप जाकर के लिख दीजिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कल यानी कि संडे को आपका क्विज टेस्ट होने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जो कि टीचमिंट ऐप का लिंक है, जो कि काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आपका क्विज टेस्ट होगा। तो क्विज टेस्ट कल सुबह 10 बजे से यानी कि संडे को 10 बजे से स्टार्ट होगा। 11:30 बजे तक आपका क्विज टेस्ट होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। और ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेंगे, और गलत होने पर, एक क्वेश्चन गलत होने पर जिस क्वेश्चन में आप 4 नंबर पाए होंगे उसमें से एक नंबर आपका काट लिया जाएगा। और जिस हिसाब ऐसे ही आपका जो है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी होता है, और वैसे ही पूरा रूल वगैरह रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने घटा दिए हैं। यहां पर सिर्फ आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है, जो कि मैथ्स में 2 चैप्टर से मैं दूंगा शुरुआती, जो कि वर्गमूल घनमूल है, घातांक और करणी है। उसके बाद जो आपका आगे का फिजिक्स का मेजरमेंट चैप्टर है, फिजिक्स के मेजरमेंट चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, केमिस्ट्री एंड साइंस, साइंस एंड केमिस्ट्री, वहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो जो अभी मैंने वैज्ञानिकों के नाम से संबंधित जो अभी क्लास दिया केमिस्ट्री का, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्विज टेस्ट जरूर दीजिए सुबह 10 बजे से, ठीक है, और 11:30 बजे तक के बीच में होगा, ठीक है। क्विज टेस्ट आप वहाँ से जा करके दीजिए, और जो उस ऐप का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं सब। तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, 1/3 - 1/2 - 1/7, ठीक है। इसका वैल्यू बताना है हमको। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है 14/33, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 13/32, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 33/32, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 7/32, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो एग्जामिनेशन के लिए ऐसे हमें तैयार होना है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो, हम बड़े ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा ये याद रखना है कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा तो हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ पे ये चीज़, ये पार्ट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप, सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिए और बाकी सबको एज इट इज़ नोट कर दीजिएगा। सबसे पहले हम सबको नोट कर ले रहे हैं, देखिए 1/3 - ठीक है, 1/ में यहां पे देखिए 7 × 2 = 14, और 14 में से एक चला गया आपका, तो यहां से 14 में से एक गया 13 - 7, यहां पर आपका आ जाएगा 13/7। तो देखिए 1/13/7 है यहां पे, तो यहां पे हम सीधे लिख सकते हैं 7 ऊपर चला जाएगा और आपका 13 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 13 × 3 में करेंगे आपका, तो 13 × 3 आपका आ जाएगा 39, तो 1/39 - 7/13 यहां पे आ जाएगा। अब क्या होगा, आपका 13 ऊपर चला जाएगा, देखिए 1/ में ये पूरा नंबर लिखा है, तो इसको हम उलट के लिख सकते हैं, नहीं उल्टा करके लिख सकते हैं, तो 13 आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा, 39 में से आपका 7 जाएगा तो 32 नीचे बच जाएगा, तो 13/32 जो भी होगा वही सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है 0.53 का क्यूब प्लस 0.47 का क्यूब अपॉन 0.53 का स्क्वायर माइनस 0.2491 का 91 ऐसे ही है, और 0.47 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चन दे और इसका वैल्यू पूछे, ठीक है, और ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है आपका 3, ऑप्शन नंबर डी है आपका 4,
ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसा कभी भी आपको जब मिले, ठीक है, पॉइंट पॉइंट में आपको क्वेश्चन मिले, तो देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया सा तरीका है, इस ये टेढ़ा सवाल है ना, तो इसको हम लोग सबसे पहले सीधा कर लेंगे। सीधा करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो नंबर है कई जगह सेम सेम नंबर, देखिए 0.53, 0.53, 0.47, 0.47, तो इसको हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें। तो अगर हम 0.53 के जगह पे ए और 0.47 के जगह पे बी लिख दें, तब देखिए क्या आता है। और यहाँ पे दिया है 0.2491 दिया है, तो अगर इसका आप चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 0.53 और 0.47 का, तो यहाँ पे आपको ये इसके इक्विवेलेंट मिल जाएगा, मतलब ये आपका तब ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, देखिए 0.53 है तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस, इसको लिख सकते हैं बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है, सॉरी यहां पे क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है, तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये आपका आ गया। तो यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपका आ गया ए प्लस बी, यानी कि आपका इसको और इसको ऐड करके लिख देंगे वही हमारा सही आंसर होगा, यानी 0.53 प्लस 0.47 इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, हाथ में आया 1, 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 1 10 और हाथ में आया 1, तो 1.00 कहने का मतलब 1 आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा आप कि जब भी ऊपर 3 घात दिया हो और बीच में ए और बी के बीच में प्लस हो, और नीचे ऐसे 2 घात दिया हो और बीच में ए बी हो और उस पर माइनस लगा हो, तो सिंपली हम इसका आंसर लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी। हम क्यों ऐसे कह रहे हैं याद करने के लिए, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको इसी टर्म में लिख के देगा और इसके अलावा कुछ और नहीं दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 1 + 1/3, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/3, तीसरे ब्रैकेट में 1 + 1/4 और चौथे ब्रैकेट में 1 - 1/4, पांचवे ब्रैकेट में 1 + 1/5 और छठवें ब्रैकेट में 1/1/5 और इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 3/5, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2/5, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 4/5, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 6/7। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसको सिंपली सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, फिर सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 3 + 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 4/7 गुणे 4/3 यहाँ पे हो जाएगा आपका, और 3 + 3 3 में से 1 चला गया 2 हो जाएगा, 2/3 गुणे 4 + 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा, इंटू 4 + 4 में से 1 चला गया तो 3/4 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 5 + 5 और 5 + 1 6, यानी कि 6/ आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, और इंटू 5 + 1 = 5, 5 में से 1 चला गया तो कितना बच गया आपका, 4, 4/5 यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जो भी कट रहा होगा उसको काट देंगे। देखिए 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4 कट गया, ठीक है, 1, 3 से 1, 3 कट गया, ठीक है, इस 3 से आप इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 3 × 6, इस 5 से इस 5 को काट दीजिए, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है, और ऊपर बचा है ये 2 और यहाँ पे नीचे 5, यानी 2 × 4/5, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, 4/5 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, काफी शानदार क्वेश्चन है और आसान भी है। 5 × 3 + 4 / 2 का वैल्यू बताना है और ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 16, ऑप्शन नंबर बी दिया है 17, ऑप्शन नंबर सी दिया है 15 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 13। है क्वेश्चन काफ़ी आसान, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लगेगा बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास का रूल लगेगा। सबसे पहले देखिए बोर्ड मास का मतलब है, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑफ इसका मतलब होता है, ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। उसके बाद डी मतलब होता है डिवाइड, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, उसके बाद आपका ऐड आ जाता है और उसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन आ जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट नहीं दिया है लेकिन डिवाइड दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग दे लेंगे उसको। तो यहाँ पे 5 × 3, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। उसके बाद डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 × 3 कितना हो गया, 15 हो गया, + 2 बराबर कितना आएगा, 17, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये बोर्ड मास का रूल आपको याद रखना होगा, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत आसान लेकिन गलत कर देंगे स्टूडेंट। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम सीधा कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 5 × 3 + 4 / 2 का वैल्यू बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए दिया है 25, ऑप्शन नंबर बी दिया है 24, ऑप्शन नंबर सी दिया है 23 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 20, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या दिया है, डिवाइड दिया है, तो डिवाइड कर लेंगे तो 3 + 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 से 2 डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, × 5 हो जाएगा यहाँ पे। फिर दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो यहाँ 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ पे आ गया आपका 25, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वें पे, क्वेश्चन नंबर 6वां आपका दिया हुआ है, कह रहा है 25 × 63 / 7 + 27 - 2 का वैल्यू बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 230, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 210, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 240 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 250। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले आपको डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड कर लीजिए तो 7 × 9 = 63 हो गया और यहाँ पे 25 हो गया, ठीक। तो प्लस 27 - 2 और सबको एज इट इज़ नोट कर लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लाई करना है, तो 25 का 9 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 बार में करेंगे तो 125 आ जाएगा और 100, तो 225 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ पे अब 27 - 2 ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो ऐड कर लीजिए कितना हो गया, 7 × 5 = 12 आ गया, 7 × 5 = 12 हाथ में आया, 1 × 2 = 2 = 4 + 4 = 1 कितना आ गया, 5 आ गया और 252 - 2 बराबर कितना आ गया, 250, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, लेकिन एक रूल आपको याद करना होगा, बोर्ड मास का रूल आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया हुआ है, 1/3 / 2/3 + 4/3 × 5/3 - 6/3 का
7/3 का वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए दिया है माइनस का 1 17/18, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है माइनस 17/18, ऑप्शन नंबर सी दिया है माइनस 11/18 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है माइनस 13/18। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ भी आपको बोर्ड मास रूल ही अप्लाई करना है। सबसे पहले डिवाइड करना है, डिवाइड में आप देखिएगा यहाँ पर, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3-3 है, कहाँ पे हर में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे बच जाएगा आपका 1/2 प्लस बाकी सबको एज इट इज नोट कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और देखिए यहाँ पे जो का दिया है ना, का मतलब गुणा होता है, गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब डिवाइड कर लिए, अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 5 = 20, 3/3 में 9 माइनस 6/7, 7 × 6 = 42 3/3 में 9, ठीक है, ये आ गया। अब 1/2, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है और आधार बराबर है, तो निश्चित रूप से माइनस में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप 42 में से 20 को घटा लीजिए, कितना बच जाएगा आपका, 22 बच जाएगा, 9 है ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 9 − 22/9 = 18 आ गया। ये तो निश्चित है कि जो हर है वहाँ पे 18 आएगा। अब देखिए 9 घटा दीजिए 22 में से, तो 9 घटाने पे आपका कितना बच जाएगा, बच जाएगा आपका 13, ठीक है। तो माइनस का 13/18, ठीक है, जो भी ऑप्शन है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। काफ़ी आसान क्वेश्चंस था, क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में दिया हुआ है 5 = 1/4 प्लस 3 = 1/8 डिवाइडेड बाई 1 = 1/4 माइनस 1 = 1/4 का वैल्यू बताना है। ऑप्शन ए दिया है 5 = 1/2, ऑप्शन नंबर बी दिया है 6 = 1/2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 4 = 2/3 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 6 = 1/3, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए 5 × 20, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका इसमें गुणा कर लेंगे, फिर ऊपर वाले में जोड़ देंगे। तो देखिए 5 × 20 और 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 21 = 4 प्लस 8 × 3 = 24 प्लस 1 = 25 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 × 4 और 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/4 माइनस 4 × 4 = 4 और 1 ऐड हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे 21/4 और इसको डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड है मतलब कि अगर इसको उल्टा किया जाए, 4 को ऊपर किया जाए, 5 को नीचे किया जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से 8 कट जाएगा आपका, 2 बचेगा, और 5 से 5 25 कट जाएगा आपका, कितना बच जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 5/4। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए देखिए 4 यहाँ पर हम एलसीएम ले ले रहे हैं, और 4 से 4 डिवाइड हो गया यहाँ पर 21 बचा, प्लस 2 से 4 डिवाइड हुआ आपका 2 बचा, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 5/4, ठीक है। अब देखिए बेस सेम हो गया दोनों का, तो नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 21 और 10 कितना हो गया 31 हो गया, और 31 माइनस 5 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 31 में से आपका 5 चल जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा 26/4 यहाँ पे बच गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से काटिए, यहाँ पे आ जाएगा 13 और 13/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13/2 किसको सॉल्व करने पा रहा है, 6 × 12 और 1 यहाँ पे आ गया 13/2, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आता है जिसको सिंप्लीफाई करना होता है, लेकिन बोर्ड मास रूल नहीं याद हो रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उनके लिए क्वेश्चंस थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वें पे चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 काफी शानदार क्वेश्चन है, दिया हुआ है 0.8.88 इंटू 0.88 माइनस 2 इंटू 0.88 इंटू 0.68 प्लस 0.68 मल्टीप्लाई बाय 0.68 ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 0.88 माइनस 0.68 ये दिया है, और इसको सॉल्व करके हमें आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0.1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 0.2, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 0.3, ऑप्शन नंबर डी दिया है 0.4। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, इस तरह के पॉइंट वाले जब भी क्वेश्चंस आपको मिले, सिंपली यहाँ पे जो एक तरह के दिख रहे हैं उनको ए मान लीजिए, जो दूसरे तरह के दिख रहे हैं उनको बी मान लीजिए। तो 0.88 को मैं यहाँ पे ए मान रहा हूँ, लेट कर लीजिए, लेट सपोज 0.88 ए है और 0.68 आपका बी है। तो ये किस तरह से लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए ये जो ऊपर वाला है, क्या आपने कभी ये नहीं पढ़ा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने ये नहीं पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही चीज़ तो है, और नीचे दिया हुआ है ए माइनस बी, तो यहाँ से इसकी पावर कट जाएगी और आपको आंसर मिलेगा ए माइनस बी, और ए की वैल्यू हमने रखी थी 0.88 और माइनस बी की वैल्यू थी 0.68। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे, 8 से 8 कट गया 0 और 8 में से 6 गया 2 बचा और पॉइंट के पास 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1/6 × 1/8 डिवाइडेड बाई 1/(1 - 7/8) और टोटली डिवाइडेड बाई है, सॉरी ऐड है 5/6 से, और इसका वैल्यू हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपका 2, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 3, ऑप्शन नंबर डी दिया है 4। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो अब क्या करना है, ये वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह से है। सबसे पहले हमें इस नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे 1/6 × 1/8, और देखिए डिवाइड को डिवाइड ही अभी रहने दीजिए, और ये देखिए 8 है कम 8, और 8 में से 7 चला गया आपका, 1 बच गया, तो यहाँ पर तो आएगा ये 1/8, लेकिन इसके ऊपर भी 1 है, तो ये क्या कर सकते हैं, हम उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं +5/6 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 8 से 8 डिवाइड हो गया, मतलब कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा, और 1/1 का मतलब 1 हो गया, तो यहाँ पे सिंपली 6 का गुणा 1 में होगा तो 6, तो यहाँ पे 1/6 हो गया +5/6 हो गया, तो यहाँ पर 6/6 हो गया, कट के यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 2.6 × 2.6 - 2.4 × 2.4/2.6 + 2.4 का वैल्यू क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0.1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 0.2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 0.3 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 0.4, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए वही सिंपल सा बात है, ठीक है। 2.6 को ए मान लीजिए यहाँ पे और 2.4 को बी, तो देखिए ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर और वहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या पढ़ा था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है जब ओपन होगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा और ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल यानी ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे। तो ए माइनस बी में यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ए का वैल्यू 2.6 माइनस बी का वैल्यू 2.4, तो यहाँ पे आपका 0.2 आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर ले जाएंगे बहुत ही आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 2.3 का क्यूब दिया हुआ है प्लस 0.027 का कुछ नहीं दिया है, बस ऐसे ही सिंपल लिखा है, फिर 2.3 का क्यूब कर दिया है प्लस 0.69 कर दिया है प्लस 0.09 कर दिया है और इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2.5, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2.4, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2.6 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 2.3, ये दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे वही काम करना है, जो 2.3 है इसको ए मान लेना है, लेकिन यहाँ पे देखिए 0.027 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको अगर इसको अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको क्या मिलेगा कि 0.3 का ही ये क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पर 0.3 को हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, या इसको हम यूं कहें कि इसको लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब, ठीक है। तो ऐसे सबसे पहले ध्यान से देख लेना है आपको और उसको कन्वर्ट कर देना है। तो ऐसे कन्वर्ट कर देंगे तो हम यहाँ पे इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, और यहाँ देखिए 2.3 और 0.3 का मल्टीप्लाई यदि करेंगे आप तो यहाँ पे सिंपली आपको 0.69 देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, एक ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन कंफर्म कर ले रहा हूँ, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ठीक है, आप सही है क्वेश्चन, तो माइनस 0.69 दिया हुआ है और प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मतलब 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आपको यहाँ पर मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते थे, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते थे, और नीचे क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये कट जाता है आपस में और ए प्लस बी ही हमको मिल जाता है। मतलब 2.3 और 0.3 को ऐड कर देंगे तो जो मिलेगा वही सही आंसर होगा, इसको ऐड कर दीजिए 2.6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 5 to the power 1/2 प्लस 3 to the power 1/2 और 5 to the power 1/2 माइनस 3 to the power 1/2 और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको सिंपल है बहुत ही। देखिए यहाँ पे ए और इसको अगर देखेंगे तो ये ए और ये बी और ये ए और ये बी इस तरह का दिख रहा है कुछ, तो ए प्लस बी और ये बन जा रहा है ए माइनस बी, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहने का मतलब 5 to the power 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 to the power 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए
पावर है 1/2 × 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी पावर 1 हो जाएगा, यानी इधर पावर सॉरी यहाँ पे बच जाएगा 5 और यहाँ पे बच जाएगा आपका 3, यानी आंसर आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 0.0347 × 0.0347 × 0.0347 प्लस 0.9653 का होल क्यूब अपॉन में दिया हुआ है, अपॉन में दिया है 0.0347 का होल स्क्वायर माइनस 0.0347 इंटू 0.9653 प्लस 0.9653 का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3, ऑप्शन नंबर डी दिया है 0.9306। ठीक है, ये ऑप्शन दिया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये तीनों एक तरह के हैं, मल्टीप्लाई में जो दिया हुआ है 0.0347 ये सारे एक तरह के, अगर हम इसको इंडिविजुअल एक को ए माने तो इस टोटल की जो वैल्यू होगी यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगी, और यहाँ पे इसको बी माने तो ये बी क्यूब हो जाएगा। तो सिंपली वही चीज़ बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सिंपली इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके दिखाया है आपको। ठीक है, तो ए प्लस बी मतलब इसको ऐड कर दें और इसको ऐड कर दें तो आंसर मिल जाएगा 0.047, और प्लस ऐड करना है 9653 को। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, देखिए 7 3 10 हाथ में आया 1 4 5 9 9 1 10 हाथ में आया 1 6 3 9 9 1 10 हाथ में आया 1 9 1 10 हाथ में आया 1 और 0.1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही होगा 1, और वही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट और सबसे अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन दिया हुआ है 11.2 × 11.2 प्लस 2 × 11.2 × 8.8 प्लस 8.8 × 8.8, इसका वैल्यू बताना है हमें। काफ़ी आसान है, इसका वैल्यू बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है सॉरी 150, ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है 200, ऑप्शन नंबर सी दिया है 300 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 400। ठीक है, ये दिया है, और देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका 11.2 ए की तरह दिखेगा, तो यहाँ पे आप इस टोटल की वैल्यू कर सकते हैं, क्या टोटल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर, इस टोटल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, और इस टोटल की वैल्यू 2ab लिख सकते हैं। तो आपका बन जाएगा ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये अगर ये किसका एक्सपेंशन है, ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे और उसका होल स्क्वायर निकाल देंगे, तो 11.2 और 8.8 को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, देखेंगे इस 8.8 को ऐसे रखेंगे कि इसका जो पॉइंट है ना वो एक सीध में आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 2 के नीचे 8 रखें और 1 के नीचे 8, तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट एक सीध में आ रहा है। देखिए 8 2 10 कितना हो गया, 10 हो गया, हाथ में आया 1, उसके बाद पॉइंट के बाद 8 1 9 और 1 ले लें यहाँ पे 10, हाथ में आया 1 और 1 1 2 0, यानी कितना आ गया 20 आ गया, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं था लेकिन थोड़ा सा टेक्निक लगा करके आप बहुत ही क्वेश्चन को सिंपल कर ले रहे थे और उसके बाद उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जा रहे थे। आई होप यह काफ़ी अच्छा लगा हो वीडियो, और कल के टेस्ट में पार्टिसिपेट आप सभी ज़रूर कीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।